1200 ग्राम, ये 1200 ग्राम का पीस है, आप देख सकते हो मज़ेदार इतना। अच्छा अभी चटनी भी दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ जी, वो 140 रुपये का है। तो फ्लेवर कौन सा होता है? सीताफल, काजू केवड़ा, गुलकंद, पान। अच्छा, मैं आना चाहिए वीडियो में। अरे सब ये देखो सामने बन रहा वीडियो हो गया, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया, बढ़िया एकदम बढ़िया है, परफेक्ट। ये देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। कितना किलो होगा ये? क्या मानना बाबा, महाकाल की चीज है, उसको अपन क्या तोड़ना। नहीं फिर भी कई लोग बताते नहीं, अपन नहीं तोड़ते, फेंकते की बनती कैसे। आप वीडियो को एंड तक देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई एक किलो की जलेबी बनती कैसे है। आप किसी को खाना देने जा रहे हो? तो मैं खिलाता हूँ ना, बढ़िया। आप जाओ किसी को खाना देने, बढ़िया लगेगा। लीजिए जनाब, आ गए हैं भाई इंदौर में। इंदौर में कहाँ आए हैं, एक ही ऐसी जगह है जो पूरी रात को खुली रहती है और वो है भाई सराफा बाज़ार। सराफा बाज़ार में आके अगर आपने जीनी डोसा नहीं खाया तो फिर आपका आना बेकार है। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ भाई कि डोसा क्राफ्ट का जीनी डोसा बनता कैसे है, टेस्ट कैसा है वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मेकिंग दिखाता हूँ आपको। आइए जीनी डोसा खाएंगे आज हम। और कहाँ पे आए हैं? डोसा क्राफ्ट। जी हाँ, तो भैया कितने का आता है ये? 160 रुपये का। तो ये देख सकते हैं मन्नी, सारी के सारी वेजिटेबल सब कट करके रखी हुई एकदम बढ़िया तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से। ये डाला जी प्याज, शिमला मिर्च, बटर भी डल गया। ओए होए, ये दोनों चीनी बन रहे हैं? हाँ दोनों, क्या बात है। प्याज सॉस, तो ये एक्चुअली में एक फ्यूजन डोसा है। आपको साथ में इसके सांभर नहीं मिलेगा, चटनी मिलेगा बस। देखो भाई ये ढक्कन भी लगा दिया। अब इससे क्या होगा, स्टीम के अंदर ना वेजिटेबल्स इनके पक जाएगा। बढ़िया है, अगर तू देखेगा ना मन्नी, ये देख पूरी मार्केट भरी पड़ी है। और दिन में क्या होती है ये, रात को क्या हो जाती है पता नहीं चलता। इतने सारे कार्ट होंगे, हर एक कार्ट आपको अलग अलग वैरायटी का नज़र आएगा यहाँ। तो मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे कि फूड फेस्टिवल है एक्चुअली में। दिल्ली में जब ऐसा कुछ होता है ना तो ऐसा लगता है फूड फेस्टिवल हो रहा है। ये ओपन किया है, इसको मिक्स करेंगे अब। ये देख लो भाई साहब, मज़ेदार। ये इसकी कीमत है 160 रुपये। चटनी कौन कौन सा होता साथ में? चटनी होता है एक नारियल का और एक उल्टा चटनी और एक रोल्स, रोल बना के रख रहे हैं, है ना? बढ़िया। ये देख, ये ऊपर लगा दिया, इसका टावर बना दिया। सेम डोसा, अभी इसके ऊपर वही डिज़ाइन आ जाएगा, परफेक्ट। ये हो गया जी इनका डोसा तैयार। आजा चटनी दिखाऊं। ये रही भाई इनकी चटनियाँ, चीज़ इसके ऊपर डलेगा। ओ हो, इसके ऊपर भी चीज़ जल रहा है। ये चटनी है और ये गार्लिक चटनी है। अच्छा, ये गार्लिक और टमाटर है भाई। ये चटनी बहुत बढ़िया होती है इनकी, मज़ेदार। तो ये देखो भाई साहब, टेस्टिंग हो रही है शुरुआत। और ये देखो भाई साहब क्या बना दिया है, ये पूरा ऊपर से सजा रखा है, ये देख रहे हो, ये पूरा ऐसे लगा रखा है। ओह टूट गया, सॉरी, पहले इनको कराते हैं। अरे ये इंदौर के लोग हैं, कोने वाला उठाता हूँ, उसमें थोड़ा सा भाई। वाकई बहुत बढ़िया है। मैं अगर बात करूँ ना तो ये ना फ्यूजन डोसा है। अगर आपको ऑथेंटिक डोसा खाना है तो वो नहीं है, नो, तो वो यहाँ नहीं मिलेगा। बट चीज़ से भरा हुआ, बटर से भरा हुआ, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ। कभी भी यहाँ पर आए ना तो इसको ट्राई करना और हमें बताना कि आपको कैसा लगा। मंडी भाजी को भी टेस्ट करा दो यार, मज़ा नहीं आएगी बनने। नहीं पर बहुत बढ़िया यार। हाँ, कभी भी इंदौर आए ना तो सराफा बाज़ार आके डोसा क्राफ्ट आना आपको। मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द, बने रहो क्योंकि सराफा बाज़ार की वीडियोस बहुत आने वाली है। चेयर्स। और भैया जी फलूदा, जी हाँ, अगर फलूदा की बात होती है और आप सराफा बाज़ार में खड़े हो तो सिर्फ एक ही दुकान पर जाना है, गोल्ड मैन। जी हाँ, गोल्ड मैन क्यों बोल रहा हूँ वो तो आपको थंबनेल देख के पता चली गया होगा, बट आज मैं आपको मिलाता हूँ उनसे, बात भी करेंगे और बनवाते हैं बढ़िया सा फलूदा, रबड़ी फलूदा। चलिए मेरे साथ। कितना वैरायटी है आपके पास? मेरे पास कुल्फी में 18 प्रकार का वैरायटी। कितना? 18 प्रकार का कुल्फी बनता है। और फलूदा में अभी फिलहाल मेरे पास जैसे केसर, मैंगो, सीताफल, काजू केवड़ा, पान, गुलाब, गुलकंद, जामुन, जामफल, अंजीर बादाम,
और शुगर फ्री में चलता है जामुन और प्लेन रबड़ी। ओहो, और उसमें भी एक बात है, अच्छा लगा तो आप खाएंगे, नहीं तो समझ में नहीं आया तो फिर उसका कोई चार्ज नहीं। पसंद तो आएगा पर आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। क्या बात है, मेरी अब एक चीज छोटी सी चीज बताओगे अगर आप बुरा ना मानो, कितना किलो होगा ये? क्या मानना, बाबा महाकाल की चीज है उसको अपन क्या तोड़ना। नहीं फिर भी कई लोग बताते नहीं, अपन नहीं तोड़ते। कितना किलो होगा अंदाजा? जहाँ तक लग रहा है मेरे को तो 2 किलो से तो ऊपर ही है। उसकी कृपा को तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, ये बात भी सही है। तो अगर आप बंद कर देता है तो आप हमारे लिए बनाओगे बढ़िया सा फलूदा? शाही फलूदा खिलाता हूँ, एक दफा आप खाइए मजा आ जाए। चलिए सर आइए। तो ये देखो भाई, शाही फलूदा लगने जा रहा है और भैया जी ये लगा रहे हैं हमारे लिए। ये क्या क्या डालोगे? ये फलूदा है, सिवैया फलूदा की केसर वाली है ये, अरारोट की बनती है। अच्छा जी, और ये रबड़ी है, केसर रबड़ी। ओहो भाई, रबड़ी देख रहे हो क्या बढ़िया, एकदम लच्छेदार लग रही है रबड़ी। चलता है सब्जा। ये क्या होता है? सब्जा तुक मलंगा आता है, गोंद का तीरा टाइप होता है। नहीं अजी, ये वो पहाड़ी बीज आता है। अच्छा, पेट के लिए अच्छा आयुर्वेदिक फल है उसके। रोज शरबत, इनकी मटका कुल्फी गाइस। तो ये जो हम आइटम बना रहे हैं ये कितने का आइटम है? ये सर जी 100 रुपीज का है। अच्छा, ये लो फ्लेवर वाला जो आप आइटम लेंगे। हाँ जी, वो 140 रुपए का है। तो फ्लेवर कौन सा होता है? सीताफल, काजू के वड़ा, गुलकंद, पान। अच्छा, नेचुरल चीज़ सब जानना पड़ता है। समझ गया। ये देख रहे मन्नी, ये है इनकी मटका कुल्फी। आपको पता है कितने सारे लोग आपको गोल्ड मैन के नाम से जानते हैं? जो नाम, वैसे आपका नाम क्या है? नटवर। नटवर जी, अरे वाह जी, ये वनीला आइसक्रीम डाला है। अच्छा, वनीला आइसक्रीम के हिसाब से थोड़ा डालते हैं कि इससे थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है। टूटी फ्रूटी, तो पहले स्कूलों में इसको हेमा मालिनी के नाम से जानते थे। और ये चेरी परफेक्ट, रोज का शरबत भी आ गया भाई। सराफा बाजार अगर आप आए ना, और मीठा इतना सारा कुछ खाने के बाद मीठा खाना तो बनता है बस। ये है भाई फलूदा, मज़ेदार लगा तो आपका खराब नहीं, परफेक्ट। ये देखो भाई साहब, ये है जी केसर। ये केसर है, खास है ये जिसका शौक। हाँ, तो ये आप किस पर डालते हो? ये लगता है जरा महकाने। अच्छा, महकाने के लिए महकता है तो फूल गिरते हैं। हाँ, ये टेस्टिंग करते हैं शुरुआत। अब ये है भाई इनका शाही फलूदा। हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट है, मिठास एकदम परफेक्ट है, सुपर गुड। कभी यहाँ पे ट्राई करना और हमें बताना कैसा लगा। तो भैया जी, इतने सारे फूड खाने के बाद अब बारी आ गई है भाई जलेबी खाने की, मीठा खाने की। कहाँ पर आए हैं? चलते हैं और दिखाते हैं आपको 1 किलो का जलेबा बनता कैसे है। जलेबा, जी हाँ, इसे जलेबा बोलूँगा मैं। 1 किलो का जलेबा बन रहा है, अब इसमें बैटर डलेगा। कहाँ पर आए मैं बता देता हूँ, श्री देव नारायण जलेबी भंडार, यहाँ पे बनता है भाई 1 किलो की जलेबी। इतनी बड़ी जलेबी कि आपका पूरा परिवार खा लेगा, और हो सकता है कि 2 परिवार खा ले, सब खाएंगे ये। ये देखो, वाह भाई वाह, पूरा कढ़ाई भर जाती होगी इसमें, थोड़ी सी खा ले क्योंकि अभी ये फूलेगी भी। इतना बड़ा जलेबा भाई, इंदौर में लोग इसे केक की तरीके से भी यूज़ करते हैं। अच्छा जी, या केक की जगह ले जाते हैं ना। अच्छा, केक की जगह इसको दला लेते हैं। इसमें कई लोग ना रबड़ी भी डालते हैं ना ऊपर। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम रोग जी भुजर। अच्छा जी, और कहाँ के रहने वाले आप? राजस्थान। क्या बात है, और कितने सालों से बेच रहे हो ये? 40 साल से यहाँ पे सराफा बाजार, इसी जगह पे, इसी जगह पे नॉर्मल जलेबी है। और ये है भाई जलेबा, दिस इज कॉल्ड जलेबा। अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है। और साथ में देखो मालपुआ भी है, आप अगर आओ तो कुछ कुछ भी ले सकते हो भाई साहब। ये तो आप जन्नत में खड़े हो, जन्नत में भाई। ये भाई साहब जलेबा 1 किलो का, और ये अभी 1 किलो का नहीं है, इसमें कम से कम 200-300 ग्राम तो ये चाशनी अंदर डूबेगा ना, तो इसके अंदर चला जाएगा, तब भरेगा ये, तब भारी होगा ये। क्या बात है भाई साहब, मज़ा आ गया तो। अब ये सारे के सारी मनमी तकेले भी खा सकता कह रहा। ये लो जी, ये है भाई जलेबी, इसे कहते हैं जलेबा। सीरियसली, सराफा बाजार की बेस्ट जलेबी। कितना? 1200 ग्राम। ये 1200 ग्राम का पीस है, आप देख सकते हो, मज़ेदार, इतना बढ़िया, इतना बड़ा भाई साहब, मज़ा आ जाएगा आज खा के इसको। ये है भाई, ये
दूध रबड़ी का बनता है। ये दूध और रबड़ी का है, क्या बात है। तो ये रही भैया हमारी जलेबी, 1200 ग्राम की जलेबी है। और अब करेंगे भाई टेस्ट, सिर्फ मैं अकेला नहीं खाऊंगा, आज खिलाएंगे हम बाकी लोगों को भी। तो अंकल जी सबसे पहले आप ही करो शुरुआत। ऐसा है कि 1200 ग्राम ख़त्म करनी है, तो जल्दी आओ, उठाओ उठाओ, आप भी उठाओ। आज हैप्पी बर्थडे मनमीत का, लो जी उठाओ, मनमीत का हैप्पी बर्थडे है, तो इसलिए सब खाएंगे सब। 1200 ग्राम ये 1200 ग्राम है, टोल के देखा भी बढ़िया है। ओहो, हमने आपका यूट्यूब पे दिल्ली में नॉनवेज खाते हुए तो देखा, हमारी तरफ से मीठा भाई मैं कितना ज़्यादा मीठा नहीं खाऊंगा। आप खाओ, इंदौर का मीठा देखो ऐसा है, आपको खिलाऊंगा, आप खाओ, आप खाओ, प्लीज़ प्लीज़ लीजिए, इससे पहले कि ज़्यादा भीड़ लग जाए। बहुत देखता हूँ आपके वीडियो। ये गेट पास है भाई, यहाँ से जो निकलेगा टेस्ट करके जाना है, ऐसे नहीं जाना भाई। ये लो टेस्ट करो, टेस्ट यार, थोड़ा इंदौर के लोग थोड़ा ज़्यादा खाओ ना यार, कमाल है। फूड गुजरात से आए हो, चलो बढ़िया। ये देखो भाई हो गया, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया, बढ़िया तो मैं खिलाता हूँ ना, बढ़िया। आप जाओ किसी को खाना देने, बढ़िया लगेगा। तो भैया जी ऐसा है, कभी यहाँ पर आए तो जलेबी लेना, इतना बड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मैंने उसे दिखाने के लिए ली है, इतनी बड़ी जलेबी यहाँ मिलती है, छोटी वाली भी ले सकते हैं आप, फैमिली के साथ खाओ, इन्जॉय करो, और मज़ेदार टेस्ट है, सीरियसली कह रहा हूँ, देसी घी में बनी है, सुपर गुड। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो का, जल्द ही बने रहो, क्योंकि इंदौर में ना बहुत सारा खजाना है जो हम ढूंढ रहे हैं। बाय बाय। तो ये देखो जी कहाँ पर आए हैं भैया, क्या नाम है काट का, गुरु कृपा, छोटा सराफा, शाही गोलगप्पा, छोटा सराफा कहते हैं इसे, और ये रामुल का बटर, और हम बनवा रहे हैं जी अपना शाही, सॉरी हम बनवा रहे हैं कॉर्न रोल, और चार तरीके के कॉर्न रोल ले रहे हैं, आपके सामने बता देंगे। तो भैया कौन कौन से बना रहे हो हमारे लिए? एक पनीर चीज़ है, कॉर्न चीज़ है, वेजिटेबल चीज़ है, ऑनियन चीज़ है, और हमारा का शाही स्पेशल है। अच्छा जी, चार पाँच लगा रहे हो क्या? चार लगाओगे ना, ठीक है जी। पहले चिली सॉस जी, अदरक लहसुन कॉर्नफ्लावर की चटनी, ओह टमाटर और प्याज की ग्रेवी, कच्चे टमाटर और प्याज की ग्रेवी, इसको सेक के बनाया हुआ है। हाँ समझ गया, इसके अंदर सुहाना का मसाला लगा हुआ है। अच्छा जी, एक तो हमने वो खाए हुए ना वो एग रोल, कलकत्ता रोल, ये उनसे बेटर ऑप्शन है आपको, तो ये बहुत बढ़िया लगेगा। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि वो टॉटीला होता ना, टॉटीला रोल आप बोल सकते हो। देखो ये, देखो ये लग गया जी, पनीर का टुकड़ा, सॉरी ये चीज़ स्लाइस, चीज़ स्लाइस है ये अमूल का। दीवा ने तो पूरी इंडियन मार्केट कैप्चर कर ली है। प्याज आ गए हैं, परफेक्ट है जी, थैंक यू मैम। बीट रूट है, ये वाली सॉस मिंट है, ये वीगा की मास्टर सॉस है। अच्छा जी, कॉर्न, ये लो जी कॉर्न रोल, टमाटर और कैप्सिकम, ये वेजिटेबल है। अच्छा ये वेजिटेबल वाला बन रहा है। ये जो शॉप है, ये जो कार्ट है, ये है गुरु कृपा के नाम से है, कॉर्न रोल, किसी से भी पूछोगे ना आपको बता देंगे वो। बहुत खूब, ये शाही बन रहा है, और ये लास्ट वाले में क्या सर्विंग करोगे इसमें? ये पनीर चीज़ है। अच्छा ये पनीर चीज़ है, ये मस्टर्ड सॉस आ गई, ये तंदूरी वीबा, ये तंदूरी वीबा, ये शाही में बीटरूट कैरेट। अच्छा जी शाही में सबसे ज़्यादा चलता है, बीटरूट और कैरेट का मिक्सर बना रखा है इन्होंने, कद्दूकस कर रखा, क्या कहते हैं इसे, बस स्पेशल। और ये डाल रहे हैं चीज़, ठीक है जी, परफेक्ट भाई साहब। अच्छा पनीर एंड चीज़ ऐसे ही बन रहा है, बॉटल ही दे दो ऐसे पी लेते, पूरी बॉटल दे दो ऐसे पी लेते कह रहा, परफेक्ट भाई, मैं तो यही ट्राई करने वाला। ये हो गई भाई हमारी फाइनल, एक लेयर और डालनी है भाई, क्या कर रहे हो यार, फाड़ दोगे हमारे पेट को आज आप। ये लीजिए जनाब, ये वेजिटेबल चीज़, ये देखो भाई साहब शाही रोल है इनका, ये वाला जो हमने लिया है, स्टफिंग देखो, ओहो भाई बहुत बढ़िया। आप कभी यहाँ पर आना, इसको ट्राई करना, छोटा सराफा बाज़ार इंदौर में, भैया की शक्ल देख लो, कभी यहाँ पर आए तो इसे ट्राई ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के बाद बहुत जल्द,
कमेंट करके सर ये बता दो कि अगर आप इंदौर के हो तो सर लिख दो इंदौर।